जिला पुलिस अधीक्षक महोदय पंकज कुमावत एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील शिवहरी द्वारा जिले में लगातार चल रहे अवैध सट्टे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। इसके चलते मंगलवार को थाना प्रभारी रोहित दुबे को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गैस एजेंसी के पास तलैया मोहल्ला मुंगावली के रहने वाले सुरेंद्र भगत अपने घर की दुकान जिसमें सोने चांदी के साथ सट्टे का अवैध धंधा करते हैं। मुंगावली में सराफा दुकान की आड़ में सट्टे के बड़े व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है। व्यापारी सुरेंद्र जैन कहने को तो सराफा व्यापारी हैं, पर सोने चांदी की आड़ में सट्टे की दुकान खोल रखी थी। पुलिस द्वारा छापामार कार्रवाई में पुलिस छापे में उनकी दुकान में 72,600 रुपए के सट्टे की पर्चियां जब्त की गई। इसके साथ ही 5,00,000 रुपए के हिसाब से किताब के सट्टे की पर्ची एवं 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि सुरेंद्र जैन सराफा दुकान की आड़ में सट्टा चला रहे हैं। दुकान की तलाशी में यह सूचना सच साबित हुई। इंडियन एजेंसी के पास रहने वाले सुरेंद्र जैन और सुरेंद्र भगत द्वारा काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र में सट्टा काटा जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने उपरांत सीमन पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बहादुरपुर एवं थाना मुंगावली की पुलिस टीम द्वारा दोनों टीमों द्वारा संयुक्त रूप से उनके घर पर रेड की गई है, जहाँ पर 72,600 रुपये नकद एवं लाखों रुपये की सट्टा पर्चियाँ एवं 2 मोबाइलों को मौके पर जब्त किया जाकर थाना मुंगावली में 622/19 धारा 3/4 द्रुत क्रीड़ा अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दबंग न्यूज के लिए मुंगावली से भारतेंदु सिंह बैस की रिपोर्ट।